दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रिडक्ट ने वीडियो में आपका स्वागत है। और मेरे पास आज है एक नया स्मार्टफोन जो है ऑनर का लेटेस्ट ऑनर 9N स्मार्टफोन। यह है नया मिड रेंज स्मार्टफोन ऑनर की तरफ से, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्प्ले के साथ आता है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जैसे कि ड्यूअल कैमराज, एक नया नॉच डिस्प्ले और कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट। तो चलिए करते हैं स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और स्टे ट्यून्ड रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम लोग लेके हैं आप लोगों के लिए एक नया सरप्राइज। एज यूजुअल जैसे भी हमारा नया स्पेशल अनबॉक्सिंग होता है तो उसके अंदर कुछ सरप्राइज होता है आप लोगों के लिए, तो स्टे ट्यून्ड रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए करते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें स्मार्टफोन के पैकेज की, तो पैकेज के ऊपर काफी सिंपल डिजाइन आपको मिल जाएगी। हालांकि पीछे की तरफ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि ऑन अ नॉच फुल व्यू डिस्प्ले, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 2.5D का कर्व ग्लास और फास्ट फेस अनलॉक। जैसे आप इस पैकेज को खोलेंगे आपको मिल जाएगा ये ब्यूटीफुल ब्लू कलर्ड स्मार्टफोन। आई एम ग्लैड दैट मेरे पास ब्लू कलर का ही रिव्यू यूनिट मिल गया है। और पैकेज के अंदर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक वावे का वारंटी कार्ड और एक क्विक स्टार्ट गाइड। इसके अलावा आपको मिल जाएगा एक सिम एजेक्टर पिन और उसके बाद आपको मिल जाएगा एक क्लियर केस। इनफैक्ट क्लियर केस आपको मिल जाएगा कुछ हार्ड प्लास्टिक का, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल ये फोन सेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक वावे ब्रांडेड का पावर एडेप्टर, जिसमें आपको मिल जाएगा 10 वॉट का आउटपुट और उसके बाद आपको मिल जाएगा एक माइक्रो यूएसबी केबल। सो ये है बेसिक पैकेज के कंटेंट्स। अब चलिए हम बात करते हैं स्मार्टफोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक ड्यूअल कैमरा सेटअप, जिसके अलावा आपको मिल जाएगा एक एलईडी फ्लैश और फिंगरप्रिंट स्कैनर और ऑनर की ब्रांडिंग। इनफैक्ट काफी ब्यूटीफुल डिस्प्ले भी लगता है, क्योंकि आपको मिल जाएगा एक मिरर फिनिश पीछे की तरफ। अगर हम बात करें फ्रंट साइड की, तो आपको मिल जाएगा एक फ्रंट कैमरा, कुछ सेंसर्स और अगर आप देखेंगे तो ध्यान से आपको मिल जाएगा एक नॉच। इसके बाद अगर आप देखेंगे टॉप की तरफ, तो आपको मिल जाएगा एक सिंगल माइक्रोफोन जो है सेकेंडरी माइक्रोफोन, और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा एक 3.5 का हेडसेट जैक, एक माइक्रोफोन, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और उसके अलावा आपको मिल जाएगा एक स्पीकर ग्रिल। राइट साइड में आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम रॉकर्स और ऑन ऑफ स्विच, और लेफ्ट की साइड में आपको मिल जाएगा सिम कार्ड का स्लॉट, जो एक हाइब्रिड स्लॉट है। मतलब टू सिम कार्ड्स आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं एक सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड। तो ये है फिजिकल ओवरव्यू इस स्मार्टफोन के बारे में। अब चलिए हम बात करते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक 5.84 इंचेस का एक नॉच डिस्प्ले। मतलब जैसे आप इस फोन को फर्स्ट टाइम बूट करेंगे, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इसके ऊपर आपको मिल जाता है एक नॉच। मतलब आपको बेटर डिस्प्ले व्यूइंग मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है फुल एच डी प्लस का रेजोल्यूशन और 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो। मतलब एक बहुत ही बड़ा ब्यूटीफुल डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, जो ऑलमोस्ट 6 इंचेस है, और आपको मूवीज देखने में या फिर हमारे वीडियोस देखने में बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें डिजाइन की, तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन मिल जाती है। हालांकि एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, जिसके लिए मैंने आपको पहले रिकमेंड किया था कि आप इस फोन के पैकेज के अंदर आपको जो केस मिल जाता है उसको यूज करना है जरूर, क्योंकि आपकी डिजाइन कहीं नहीं छुपेगी, आपको एक क्लियर केस मिल जाएगा और आपको फिंगरप्रिंट्स भी नहीं दिखेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन के ऊपर। अब अगर हम बात करें दूसरे फैक्टर्स की, सो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्मार्टफोन मिल जाता है। अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है क्यूरिन 659 का ऑक्टोकोर चिपसेट, और अगर हम बात करें स्टोरेज और रैम की, तो आपको मिल जाएगा 4GB का रैम प्लस 64GB का स्टोरेज और 128GB का स्टोरेज ऑप्शन। बैटरी आपको मिल जाती है 3000mAh की बैटरी, और पावर आउटपुट है इसका 10W का, जो आपको चार्जर एडाप्टर मिल जाता है। अगर हम बात करें सार वैल्यू की, तो यह है इसका सार वैल्यू इन्फॉर्मेशन। अब चलिए हम बात करते हैं स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर की। यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑनर का ही खुद का EMUI जो है 8.0 वर्जन और एंड्रॉइड 8.0 का सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें सिक्योरिटी अपडेट्स की, तो यहाँ पर June 1 का सिक्योरिटी पैच ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन आई गेस कुछ दिनों के अंदर हमें नया सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएगा, जिसके बाद हमें मिल जाएगा जुलाई का भी सिक्योरिटी अपडेट। अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो यहाँ पर 53GB अवेलेबल आपको 64GB में से, और अगर हम बात करें प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन की, तो बहुत ही कम प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें ब्लोटवेयर की, तो 2-3 ऐप्स आपको मिल जाते हैं ब्लोटवेयर के नाम पर, जैसे कि स्पाइडरमैन का एक गेम है, नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन है और कुछ गेम्स है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सारे ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस या फिर प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस को आप आराम से अनइंस्टॉल कर सकते हैं और अपने स्टोरेज को आप रिकवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्पेशल एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक राइड मोड का एप्लीकेशन और एक पेटीएम का पे, जो एक छोटा सा शॉर्टकट आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें जेस्टर्स की, तो यहाँ पर कोई नेविगेशन जेस्टर्स आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन एक नया फीचर मिलता है जो है नेविगेशन डॉक। अगर हम बात करें नेविगेशन डॉक की, तो ये एक छोटा सा बटन है आपको जो स्क्रीन के ऊपर मिल जाता है, जो जैसे आप उसको टैप करेंगे तो आप पिछले स्क्रीन के ऊपर जा सकते हैं, या फिर आप उसको लॉन्ग प्रेस करके लेफ्ट राइट करेंगे तो आपको रीसेंट एप्लीकेशन मिल जाएंगे। मतलब छोटे मोटे कस्टमाइजेशन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं
स्मार्टफोन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में, जो है कैमरा। और अगर हम बात करें कैमरा की, तो यहाँ पर आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, प्लस एक एलईडी फ्लैश भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। और अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा। हालांकि 16 मेगापिक्सल के अलावा भी आपको मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड दोनों स्मार्टफोन के अंदर। अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1080p का वीडियो रिकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें मैनुअल मोड की, तो आपको दोनों कैमरा ऑप्शन जो है वीडियो और फोटोज के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अगर हम बात करें दूसरे स्पेशल फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे AR स्टिकर, जो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर है कुछ कैमरा सैंपल, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस स्मार्टफोन का कैमरा कैसा है। अब चलिए हम बात करते हैं स्मार्टफोन के स्पेशल फीचर्स की। यहाँ पर आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर प्लस फेस अनलॉकिंग, जो है एक स्पेशल फीचर इस स्मार्टफोन के अंदर। और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे फीचर्स की, तो आपको मिल जाता है एक ऑप्शन जो है वाईफाई ब्रिज ऑप्शन, जिससे आप अपने वाईफाई कनेक्शन को भी एक हॉटस्पॉट की तरह शेयर कर सकते हैं, मतलब अपने वाईफाई को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो ये है कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑनर 9N स्मार्टफोन के बारे में। अगले वीडियो में मैं प्रॉब्ली आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा इस स्मार्टफोन को लेकर, और आगे जाके मैं इसका कंपैरिजन भी करूंगा। तो आप लोग बताइए कि कौन से स्मार्टफोन के साथ मैं इसको कंपेयर करूं। अब चलिए हम बात करते हैं सरप्राइज के बारे में। दोस्तों, हमारे पास है 5 Honor 9M स्मार्टफोन्स आप लोगों के लिए, और ये स्मार्टफोन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। और जीतने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स एज यूजुअल हमेशा होते हैं कि आपको हमें फॉलो करना है सारे नेटवर्क्स के ऊपर, इस वीडियो को शेयर करना है सारे नेटवर्क्स के ऊपर, और उसके अलावा आपको बहुत ही सिंपल तरीके से नीचे कॉमेंट में मुझे बताना है कि आपको इस स्मार्टफोन का कौन सा फीचर अच्छा लगा। इनफैक्ट इन सबको ईजी करने के लिए हमने एक सर्विस यूज की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। वहां पर जाइए, टैप कीजिए, और आपको सारे स्टेप्स वहीं पर मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एंट्री कमाते जाइए, जिससे आपको चांसेस बढ़ जाएंगे और आप जीत सकते हैं ये स्मार्टफोन। सो बहुत ही सिंपल गिव अवे और बहुत ही ब्यूटीफुल स्मार्टफोन है हमारे पास, तो इसमें से आप 5 लोग जीत सकते हैं ये Honor 9N स्मार्टफोन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित, मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।